माधवी मैडम. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके, नमस्कार. परिवार सशक्तिकरण प्रोग्राम अधिकार में मैं माधवी गांगल आप सबका स्वागत करती हूँ. ये प्रोग्राम अशु अडवाणी कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन चेंबूर और केडीएन श्रुति स्कूल फॉर द डेफ जुहू के सहयोग से हो रहा है. आइए जानते हैं आज के मेहमान के बारे में. उनका नाम है श्रीमती ममता भोसले. इन्होंने साइकोलॉजी में बीए किया है, स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया है, मुंबई यूनिवर्सिटी से ऑटिज्म में स्पेशलाइजेशन किया है और एसएनडीटी यूनिवर्सिटी से लर्निंग डिसेबिलिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. अभी जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में. फिलहाल वह एक स्पेशल एजुकेटर है जो लर्निंग बच्चों को पढ़ाती है. अपला कट्टा नामक सामाजिक संगठन की वह एक अध्यक्ष है. उन्होंने कई शैडो टीचर यानी डिसेबल बच्चों को जो वन टू वन पढ़ाती है उनको प्रशिक्षित किया है. ऑटिस्टिक बच्चों को बोर्ड गेम में माहिर किया है. उन्हें इस विभाग में पूरे 16 वर्ष का अनुभव है. वह रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया RCICRE प्रोग्राम की विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर काम करती है. लेट्स वेलकम हर. ममता मैम, आपका स्वागत. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है. थोड़ा सा हिंदी में मुझे प्रॉपर हिंदी में बात करूंगी बट आई कांट टॉक सो मच. आपने हिंदी में बात किया है मे बी उतना अच्छा नहीं बोल पाऊंगी बट मैं करूंगा. इस प्रोग्राम में स्वागत है और इसका नाम ही आपको पता है. हम खेल और गेम्स और उस चीजों के बारे में जानने वाले हैं. उससे पहले मुझे आप सबको एक प्रश्न करना कि आप अकॉर्डिंग टू यू आपके हिसाब से आप क्या बच्चों का काम क्या है, क्या इम्पोर्टेंट चीज आपका बच्चे के फिलहाल. आप चाह के बात कर सकते हैं या फिर आप अनमुट होके भी बात कर सकते हैं. ये सेशन हम सबको विनती है कि अपने आप को म्यूट रखिए. जब बात करनी हो तो अनम्यूट करें. दो तीन लोगों का अनम्यूट है तो आवाज आ रही है. आई थिंक देवीला यू हैव टू यू विल हैव टू म्यूट योरसेल्फ. यस पेरेंट्स, सब लोग अपना ऑडियो और वीडियो दोनों बंद रखें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो. थैंक यू. ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपके हिसाब से बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए क्या महत्व है, क्या महत्वपूर्ण है. एनीवन आप. यस पेरेंट्स, रिस्पॉन्ड दीजिए, रिस्पॉन्ड करिए. ये हम थोड़ा इंटरैक्टिव रखने वाले हैं प्रोग्राम, तो आप जितना इन्वॉल्व होंगे उतना अच्छा है. आप चैट में बात कर सकते हो या फिर आप अनम्यूट होके हैंड रेज करके अनम्यूट हो जाएगी और बात कीजिए. आपको क्या लगता है आपके बच्चों के पूरा विकास के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है. मैम सबसे ज्यादा स्पीच. ओके ओके और यस सुजल सर. यस ये सुजल मैम. स्पीच ये सब डेवलपमेंट कहाँ से होती है, बच्चे का ऑक्यूपेशन क्या होता है. चैट बॉक्स में कुछ रिस्पॉन्सेस है. हाँ ओके हियरिंग एड. ध्यान, बच्चे का ध्यान. ओके
ये सब स्किल्स है ना, ये सब अदर डेवलपमेंट, पर ये किस चीज से डेवलप होती है, कौन सी ऐसी चीज है जहां से वो ज्यादा डेवलप होती है ये सब चीजें? छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है? ओके, वो अपना फिजिकल मूवमेंट्स करता है, वो अपने आप को, वो खुद से ही हंसता है खुद से, तो वो क्या करता है, वो खुद से खेल रहा होता है। उसके वो खेल से ही बचपन से लेके अभी तक भी हम जो खेलते हैं, जो जो भी चीजें जो हम तो खेल बच्चों का काम है, ऑक्यूपेशन। अगर हम ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, आपको सभी को पता होगा ऑक्यूपेशन थेरेपी, तो ऑक्यूपेशन क्या, तो ऑक्यूपेशन ये बच्चों काम, तो बच्चों का काम क्या है, खेलना। ओके, प्ले इज अ ऑक्यूपेशन फॉर द चाइल्ड। ओके, ये खेल के वजह से ही बच्चों का संपूर्ण विकास होता है। आपने बोला स्पीच, ये स्पीच डेवलप होता है। आपने बोला हियरिंग, यस हियरिंग एट आपने बोला है, बट अगर बच्चों का विकास है तो वो कम्युनिकेशन जो बच्चे खेल खेल में करते हैं, तो उसको कुछ प्रॉपर लैंग्वेज भाषा की जरूरत नहीं होती है, वो अपने ही अपना एक भाषा बच्चे डेवलप करते हैं और वो खेलते हैं, तो वो सर्वांगीण विकास वहां पे उनका होता है। दिमाग, कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत सारे जो स्किल्स है वो गेम प्ले या फिर ऐसी चीजें जो हम पढ़ाई छोड़ के जो चीजें सब करती है, रिक्रिएशन जो बोलते हैं, जहां से हमें एंजॉयमेंट मिलती है, उस सब चीजों से हमारे स्किल्स भी डेवलप होते हैं। अननोइंगली, हमें पता नहीं होता, पर हमारे बच्चों के स्किल्स भी डेवलप होते हैं, इसीलिए ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ फोकस करते हैं मेरे बच्चे को ये नहीं आता, मेरे बच्चे का स्पीच प्रॉपर नहीं है, मेरे बच्चे का हियरिंग प्रॉपर नहीं है, मेरे बच्चे का चलना प्रॉपर नहीं है, ये तो हम उसके जो खामियां है, वीकनेसेस है, उनको ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। बट ये करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैठे हम एज अ पेरेंट क्या कर सकते हैं, हमें उनको पहले एज अ बच्चा देखना है, इज अ चाइल्ड फर्स्ट, बाद में उसके जो भी डिसेबिलिटीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो बाद में, पहले वो चाइल्ड है। ठीक है, ओके, तो बच्चा है तो बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट खेल है, इम्पोर्टेंट उसका एंजॉयमेंट है। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हेलो, सुनाई दे रहा है ना? कुछ नेटवर्क इशू हुआ तो प्लीज लेट मी नो, हाँ, क्योंकि यहाँ पे किसी ने जाना है, नेटवर्क इशू मेरी तरफ से है कुछ नेटवर्क इशू? हेलो, नहीं नहीं नहीं, अच्छा है, थैंक यू। तो हमें पहले बच्चा, एज अ बच्चा उसको देखना है, फिर उसके बाजू जो भी इश्यूज है, जो भी ये है, वो बाद में आएंगे। तो एज ए चाइल्ड उसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है खेल, उसका एंजॉयमेंट, उसका रिक्रिएशन, उसकी उसका खुद का आनंद, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस सब चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो मेरा दूसरा प्रश्न है आप सभी के लिए, आप जब बच्चे थे तब आप क्या करते थे, कौन से खेल खेलते थे? आप जब बच्चे थे तब आप कौन से खेल खेलते थे, कोई बता सकता है? हम तो बहुत सारे, मतलब हमारे उम्र के जो भी है, हमने तो बहुत सारे खेल खेले हैं, कौन से खेल खेलते थे हम? लंगड़ी, ओके, जल्दी जल्दी, बहुत सारे, okay. हम लोग के टाइम बहुत खेल था, आज के बच्चे लोग के टाइम तो बस वही मोबाइल है, घर में पढ़ाई है, हम लोग के टाइम तो बहुत था। मुझे पूछना है आपके टाइम में कौन से खेल खेलते थे? हाइड एंड सीक है, ओके, हम लोग खो खो, कबड्डी, छुपा छुपी, ओके, वेरी गुड। और क्या खेलते थे? जल्दी जल्दी, 2 मिनट और मैं बताओ मुझे, आप क्या क्या
सांप सीढ़ी सांप सीढ़ी ओके पकड़म पकड़ी खेलते थे मैंने ओके ओके तो ये सब चीजें आप करते थे और अभी एक मैडम ने बताया कि पर अभी के बच्चे ये सब नहीं खेलते मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं ओके अभी आप मुझे बताइए ये सब चीजें जो आप खेलते थे आप अपने बच्चों के साथ अभी खेलते हो आप खेलते हो नहीं मैं नहीं खेलते हम क्या करते हैं हम भी तो मोबाइल पे है ना हमारा तो काम मोबाइल पे है ना तो हम हमारे बच्चों के साथ ये सब खेल खेलते हैं नहीं खेलते हमने हमारे बच्चों को उंगली पकड़ के सिखाया कि हम ये खेल खेलते हैं चलो मैं भी तुम्हें ये खेल खेलना सिखाती हूँ ऐसे किया हमने नहीं किया हम सिर्फ बोलते रहते हम हमारे हमारे जमाने में ऐसे सब खेलते थे ये करते थे वो करते थे बट वो चीजें हम हमारे पास ऑन नहीं कर रहे हमारे नेक्स्ट जनरेशन को और वहां पे ही प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल किसने दिया हमने दिया है बच्चों को इसीलिए बच्चे मोबाइल पे खेलते हैं है ना तो अगर हम ये गेम्स बच्चों को दे तो डेफिनेटली बच्चे एंजॉय करेंगे बच्चे भी गेम्स खेलेंगे राइट तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे मैं मेरा पीपीटी शेयर कर मैं होस्ट हूँ ना एम आई द होस्ट Ma'am, you are co-host. You can share the PPT. Okay, yeah, thank you so much. If any problem, let us know. We will yes. Thank you. तो हम ऐसे सब चीजों के बारे में देखने वाले हैं कि हम क्या 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 कर सकते हैं. Are you able to see my PPT? Yes, ma'am. Oh. Yes, yes. So. आज का सेशन का नाम है गेम्स प्ले एंड फैमिली बॉन्डिंग जैसे मैंने बोला कि गेम्स प्ले ये जो चीज है वो बहुत सारे स्किल को डेवलप करते हैं बच्चों के वैसे ही वो फैमिली बॉन्डिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं जो हमारा कम्युनिकेशन होता है हमारे बच्चों के साथ जो संवाद होता है वो इसको बढ़ाते हैं पर आज ये संवाद कुछ कम होते जा रहा है क्योंकि हम ये सब चीजें नहीं करते हम सिर्फ बताते हैं कि हम ये करते थे हम वो करते थे पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस में क्या करना चाहिए वो हम ज्यादा से नहीं करते इट्स ओके हम भी बिजी है ये है बट कुछ वक्त हमें इस चीजों को भी देना चाहिए हम जो टाइम निकालते हैं वो उनको सिर्फ पढ़ाई के लिए बैठाते हैं फिर वो प्रॉब्लम्स आ जाती है कि चिड़चिड़ बन जाते हैं बच्चे पढ़ाई नहीं करनी है ये नहीं करनी क्योंकि हम उनको दूसरा टाइम भी नहीं देते के साथ खेलने का टाइम भी नहीं देते अगर हम उनके साथ उनके जैसे रहे तो वो गिव एंड टेक होगा हम जो बात बताएंगे वो सीख लेंगे वो बात जो बताएंगे वो हमें सुनना है ऐसे जब होगा हम उनके साथ उनका उनके एक फ्रेंड बन के रहेंगे तो वो अच्छी तरीके से हो सकता है और वो कैसे होगा गेम्स प्ले क्योंकि इससे ही हम उनके साथ एज अ बच्चे एज उनके फ्रेंड हो सकते हैं किसी को भी अगर बीच में कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं ओके सो वेलकम टू यू ऑल थोड़ा हम ये भी देखेंगे कि अभी लॉकडाउन चालू है बच्चे घर पे हैं वेकेशन चालू है तो कुछ कुछ चिड़चिड़ापन कुछ कुछ चीजें ऐसे बच्चों में होती है तो वो भी चीज हम कैसे उनकी कम कर सकते हैं तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी सो अगर हम हो सके तो रूटीन फॉलो करो बच्चे का क्योंकि अभी तो छुट्टियां चल रही है तो कभी बच्चे 7 बजे उठ जाते हैं कभी 9 बजे उठ जाते हैं कभी 10 बजे फिर उनका ब्रेकफास्ट कभी उसी तरीके से उल्टा पुल्टा हो जाता है लंच उल्टा पुल्टा तो वो टाइमिंग नहीं रहता और जब रूटीन नहीं रहता तो बच्चों में चिड़चिड़ापन बच्चों में और हमारे साथ हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं तो कुछ हद तक हम अगर रूटीन सेट करें तो वो उनके लिए बेटर रहेगा तो उसके साथ खेल का भी रूटीन हो जाएगा और पढ़ाई का भी रूटीन सेट कर सकते हैं अभी बहुत आजू बाजू में इनसिक्योरिटी है डर है कुछ हो जाए कुछ नहीं तो सब जगह पे डर है तो उनको हमें बच्चों को सिक्योर करना है इस डर से थोड़ा बचाना है कि यस ये सब चीजें हो रही है बट हमें
फोकस कहाँ पे करना है, प्रिकॉशंस पे, तो हम प्रिकॉशंस पे फोकस करेंगे और ये सब चीजें हम हैंडल कर सकते हैं। और हम हैं तुम्हारे साथ, हम हैं, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है हम हैं, तो इस तरीके से आप हमको उनको सिक्योर कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं वो हम बाद में बताएंगे। मेंटेन द फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला कि उनको सब फिजिकल एक्टिविटी भी खेल में होती है ना, खेल से भी फिजिकल एक्टिविटीज हो जाती है, तो हम एक रूटीन सेट करेंगे, तो वहाँ पे कुछ बोर्ड गेम्स सिखा सकते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज वाले गेम्स सिखा सकते हैं, तो सो दैट उनका संपूर्ण विकास हो सके। एक्टिविटीज हम रोज उनको एक ही चीज पकड़ा दी कि एक गेम दिया है वही रोज करवाए तो वो बोर हो जाएंगे, तो बेटर है कि हमारे पास कुछ ऐसे वैरायटीज रहे, अलग अलग एक्टिविटीज रहे कि उनको वो अलग अलग नए नए एक्टिविटीज कर सके एवरी डे। तो ये तो बाजार में मिल जाते हैं, लेगो बहुत सारे पजल्स है वो तो है ही, बट हम घर में भी कुछ पजल्स कुछ चीजें कर सकते हैं, हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे, तो वो भी एक्टिविटीज घर के भी एक्टिविटीज हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये सब करने से पहले हमें बिकॉज आर किड्स आप उनको थोड़ा ज्यादा ये चाहिए, ज्यादा अटेंशन चाहिए, तो उनके लिए हमें थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए। हम आज उठ के मुझे ये एक्टिविटीज मैं उनके साथ करूंगी ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा हमें बिफोर हैंड चीजें रखनी चाहिए, जो भी हम उनके साथ एक्टिविटी करने वाले हैं आज, जो भी हम प्लान करेंगे, जो भी खेलेंगे, तो हम उसके साथ अच्छे से बिफोर हैंड प्रिपेयर करके रखेंगे। अभी ये भी है कामिंग स्ट्रेटेजी, शांत कैसे करें हम हमारे बच्चों को, कभी कभी बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ये मस्ती करने रखते हैं, बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, तो कुछ कामिंग स्ट्रेटेजीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। म्यूजिक, म्यूजिक बहुत आपके बच्चों को सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है या जो भी, आप अगर वो म्यूजिक भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे तो भी बच्चे बहुत शांत हो जाते हैं, तो यू कैन ट्राई म्यूजिक। सॉरी मैं तो ये सब आवाज आपको आएंगे, जस्ट मुझे माफ करिए इस सब चीजों के लिए, बिकॉज इट्स नॉट इन माय कंट्रोल। ओके, कीप अराउंड टॉयज और थिंग्स दैट ही लाइक्स, जो भी खेल उनको पसंद है तो अपने साथ रखे, जब वो गुस्सा है, जब वो अग्रेसिव है, जब वो एकदम हैंडल नहीं कर पा रहे, तो ये सब चीजों में म्यूजिक काम करता है, उनके पसंदी गेम्स, उनके पसंदी टॉयज काम करेंगे उनको शांत करने के लिए। बबल्स, ब्लोइंग बबल्स होते हैं, वो भी शांत करने के लिए उनको हम यूज कर सकते हैं। क्लैपिंग, हम उनके साथ रिदमिक क्लैपिंग, 1 2 1 2 1 2 3 और उनको इमिटेट करना है, तो इस तरीके से भी हम उनके साथ टैपिंग, टैप योर हैड, टैप योर शोल्डर्स, वो सॉन्ग है उस तरीके से हम थोड़ा उनको काम कर सकते हैं। सिंगर सॉन्ग और राइम्स, उसके उनके जो गाने हैं, उनके जो राइम्स है, उनके साथ गा सकते हैं, हम उनके साथ गा सकते हैं, बिल्कुल उनको नहीं गवाना है, नहीं तो वो और अग्रेसिव होंगे, हमें उनके साथ हमें स्टार्ट करनी है, हमें थोड़ी बता फिर बात बच्चे को। माइक अनम्यूट सर, हेलो, माइक बंद कीजिए प्लीज, ऑडियो बंद कीजिए। मैंने फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में बोला था, तो अगर हम बोले चलो 1 2 करो तो बच्चे बहुत बोर हो जाएंगे, यही फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होते, थोड़ा हमें उसको ट्विस्ट टर्न करना पड़ेगा, थोड़ा एंजॉय कर सके बच्चे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा तो वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। तो एनिमल वॉक, हम भी बचपन में ये करते थे ना, एलिफेंट
मूवमेंट करते थे, फ्लॉग जंप करते थे, है ना। तो ये एनिमल वॉक्स अगर हम उनके साथ करें, फ्रॉग जंप है, बेयर वॉक है, क्रैब वॉक है, कैटरपिलर वॉक है, ऐसे ऐसे करके कंगारू जंप है, तो ये फिजिकल एक्टिविटीज है। यहाँ पे मैंने बताया है कि वो कैसे हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और यहाँ ये हम थोड़े गेम में इसको थोड़ा ढाल सकते हैं कि जैसे कि आप चिट्ठिया बनाओ, बेयर फ्रॉग जंप का चिट्ठिया बनाओ, एक चिट्ठी उठाओ, पढ़ो क्या है फ्रॉग जंप, ओके तो अभी तुम्हें फ्रॉग जंप करना है। फिर आप भी खेलो, आप भी एक चिट्ठी उठाओ, क्या आया क्रैब वॉक, ओके अभी मुझे क्रैब वॉक करना है, ऐसे। या फिर एक कोई तो लीडर है, उसने हम जो वो पासिंग द पार्सल करते हैं वहां पे भी हम ये कर सकते हैं, जिस पे डेन आएगा वो उस तरीका का ये करेगा, वॉक करेगा और बाकी सब उसको फॉलो करेंगे। तो ऐसे अलग अलग गेम्स हम इसमें डाल सकते हैं, हम डाइस बना सकते हैं, उस डाइस पे हम नाम लिख सकते हैं, तो बच्चा खेलेगा डाइस लिखेगा, जो नाम डाइस पे जो नाम आएगा वो वॉकिंग बच्चा करेगा। तो जो अलग अलग गेम है वो हम इसमें डाल सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी हो गई, इसके साथ साथ गेम भी हो गया और बच्चे का एंजॉयमेंट भी हो गया। हो सकता है ना ये चीज, चैट में लिखिए आप, हो सकता है yes or no, और डिफिकल्ट है yes? हाँ मैम हो सकता है, और मैं अपने बच्चे के साथ इसमें से कुछ एनिमल का करती भी हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सब चीज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे बच्चों में इमिटेशन प्रवृत्ति, जो लर्निंग होती है वो पूरी इमिटेशन से होते हैं। बच्चे किससे सीखते हैं, इमिटेशन करके, दूसरों को देख के सीखते हैं, राइट। तो ये इमिटेशन कार्ड्स है, जो ऐसे हम कार्ड्स बना सकते हैं, जहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हैं कार्ड्स हैं, वो कार्ड्स हम दिखा के उस जो कार्ड में जो पिक्चर बना है वैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करो, ओके वो हो सकता है। तो वो कार्ड गेम के जैसे हम ये खेल सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे रोल एक चार्ट बनाओ, उसमें है कि फर्स्ट आया तो रनिंग प्ले, सेकंड आया तो टच योर टोज, थर्ड आया तो फ्रॉग जंप। तो इस तरीके से हमने एक चार्ट बना दिया और फिर डाइस खेला, और डाइस में जो नंबर आएगा उस नंबर का बच्चे को करना है, बच्चे के साथ आपको भी करना है टर्न टेकिंग में। तो फिजिकल एक्टिविटी आ गई यहाँ पे, राइट। ये कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे पीछे कार्ड रख दो, बच्चों को सिलेक्ट करने बोलो, एक कार्ड निकाला, ओके जो कार्ड आया है तुम्हें वो एक्टिविटी करके दिखानी है। अगर बच्चे को नहीं हो रहा है आप देख कर करके देखो, देखो ऐसे है करेक्ट है क्या, तो बच्चा भी करके दिखेगा, हाँ देखो सेम टू सेम उस कार्ड के जैसे मैंने किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को राइट हैंड लेफ्ट हैंड ये सब चीजें, तो ये वर्ड्स भी उनको हम दे रहे हैं, वोकैबुलरी बढ़ा रहे हैं, उनका जो बॉडी ये होता अवेयरनेस वो भी बढ़ा रहे हैं, ओके और साथ ही साथ हम गेम खेल रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट, और स्पीच कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। अभी हम बोर्ड गेम्स देखेंगे। बोर्ड गेम्स में स्नेक एंड लैडर आपको पता ही है, ओके तो उसी स्नेक एंड लैडर एक लोनावला में एक है, उनकी संस्था है, अभी मैं उसका नाम लूंगी, तो उन्होंने एक स्नेक एंड लैडर डेवलप किया है, उसके ऊपर से हमने भी एक स्नेक एंड लैडर डेवलप किया है। वहां पे हमने विजुअल्स रखे हैं, जैसे स्नेक एंड लैडर पे सिर्फ नंबर्स होते हैं। अगर आपको मैं बताऊं स्नेक एंड लैडर की हिस्ट्री, तो स्नेक एंड लैडर ये जो गेम है वो इंडिया से बाहर गया है, ओके ये
अभी स्नेक एंड लैडर होके हमारे पास वापस आया है बिकॉज हमने हमारे कुछ चीजें जतन नहीं की इसलिए तो जो गेम है वहां पे उस गेम से जो संत थे वो बताया करते थे लोगों को कि अगर आपने अच्छा कर्म किया तो अच्छी चीजें आपको। हेलो हेलो कौन है म्यूट कीजिए म्यूट कीजिए। मैं थोड़ा ये पीपीटी एक्चुअली अलग पीपीटी मैंने शेयर किया है जस्ट ममता मैम एक अफसाना मैडम अपना स्पीकर ऑफ करिए अफसाना मैडम अफसाना जी स्पीकर ऑफ करिए प्लीज अफसाना अंसारी पेरेंट्स प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए दूसरा बंद बहुत हो रहा है आज ऑन करना अफान अफान अंसारी कौन है प्लीज म्यूट योरसेल्फ अफसाना अंसारी अफसाना अंसारी ममता मैडम आप म्यूट पे हो हेलो ममता आर यू देयर You have been muted. Yes, 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 ma'am. I'm there. Just give me 2 minutes. ओके सॉरी ठीक है मैंने थोड़ा अलग पीपीटी शेयर किया था इसलिए वो कंफ्यूजन तो स्नेक एंड लैडर जो अभी हम खेल रहे हैं उसमें सिर्फ नंबर्स है और स्नेक एंड लैडर तो ज्यादा मजा नहीं आता अगर हम उसको कुछ अलग बनाए कुछ एक्टिविटीज डाले तो वो बोर्ड गेम्स भी हो गया क्योंकि बोर्ड गेम काफी सारे बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगता है तो यहाँ पे हमने कुछ एक्टिविटीज डाले तो वो बोर्ड गेम भी हो गया और उस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज भी हो गया जैसे मैं आपको रीड करके बताऊं कि अगर 1 आया तो 5 टाइम्स जंप करना है 2 आया तो यू हैव टू से 3 रिवर्स के नाम बताने हैं 3 आया तो 10 क्लैपिंग करने हैं तो इसी तरीके से ये बोर्ड गेम्स भी हैं और उसके साथ साथ हम फिजिकल गेम्स और यू नो फिजिकल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और कुछ जनरल नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं ऐसे कुछ हम कर सकते हैं जो हमें चाहिए अगर हमारे बच्चों के लिए हमने कुछ प्लान किए हैं एक्टिविटीज
ना ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी के कुछ एक्टिविटीज हमारे पास प्लान है कि ये मेरे बच्चों को मुझे रोज करके लेना है, तो वो भी एक्टिविटीज हम इसमें डाल सकते हैं और हम स्नेक एंड लैडर खेल सकते हैं। और जो मैंने बताया था कि विजुअल्स के साथ भी स्नेक एंड लैडर खेला, जहाँ पे सपोज हमने रखा है कि अगर बर्गर, एक विजुअल है जहाँ पे कि बच्चा बर्गर खा रहा है, तो वो बर्गर खा रहा है मतलब वो बच्चे को मोटापन आएगा, जंक फूड बेसिकली, तो स्नेक निगल जाएगा और बच्चे को मोटापन आएगा, तो वहां पे वो कॉज एंड इफेक्ट बताया गया है कि विजुअल्स एक्चुअली जब ये हमारे देश से जब एंशियंट टाइम में हमारे पास स्नेक एंड लैडर था, वहां पे भी ये विजुअल्स थे कुछ अलग तरीके से, अभी के जो प्रेजेंट सिचुएशन सिनेरियो के हिसाब से विजुअल्स हम उसमें डाल सकते हैं कि ज्यादा टीवी देखेंगे तो चश्मा लग जाएगा, बड़ों का रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको लैडर मिलेगी, आप आगे बढ़ जाओगे, तो इस तरीके से कॉज एंड इफेक्ट भी हम उसमें डाल सकते हैं, और ये एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटी तो डेफिनेटली हम डाल सकते हैं। और वो जो स्नेक एंड लैडर है वो हमें मतलब वो मिल जाता है लोनावले के उस संस्था ने बनाया है, तो वहां से ये कुछ अलग तरीके के, यहाँ पे भी सिंगर सॉन्ग से या डायलॉग एक्ट लाइक अ मॉम, ऐसे अलग अलग एक्शन बताए गए हैं, सो एंजॉयमेंट भी हो गया और गेम भी हो गया और फिजिकल एक्टिविटीज भी हो गए। अभी एक बोर्ड गेम है जो बहुत हमारे पास जो 15 बोर्ड गेम है उसमें से ये एक बोर्ड गेम है, और ये बहुत सिंपल जो फर्स्ट स्टेप हम बोलेंगे बोर्ड गेम के, ये इसका नाम है सिसीमा। ये भी बहुत पुराना 200 साल पुराना गेम है, और ये जैसे अभी हम खेलते हैं जीरो एक्स एंड जीरोस या टिकटॉक भी बोलते हैं, टिकटॉक प्ले भी बोलते हैं वो, तो इसी तरीके से ये गेम है। और यहाँ पे देखो ये जो पहले वाले गेम्स थे उसको कुछ हम बाजार से खरीद के नहीं लाते थे, वो हम खुद से बनाते थे अपने, ऐसे ही ड्रॉ करके बोर्ड पे ड्रॉ किया, जमीन पे ड्रॉ किया और वो ड्रॉ करके हम ये गेम बनाते थे, तो वैसे ही ये गेम है, इस तरीके से उसको ड्रॉ करना है। ओके, और देखो ये जो रेड है ना वो स्पॉट्स है, जो कितने स्पॉट्स है यहाँ पे 3, 1, 2, 3, बीच में 3 और यहाँ पे 3। ओके, तो 9 ये रेड स्पॉट्स है। ये गेम दो लोगों में खेला जाता है। ओके, और एक एक के पास 3 बीड्स है, ओके, और दूसरे के पास भी 3 अलग अलग कलर के रहेंगे तो बेटर। तो हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ये तो हमें ड्रॉ करना है, और यहाँ पे हम मूंगफली ले लो किसी एक के लिए कुछ और बीड्स ले लो कुछ भी, या फिर स्टोन ले लो। ओके, वो हम कर सकते हैं। अभी ये सेम गेम, इसका मोटिव क्या है कि स्ट्रेट वे में 3 बनाने हैं, एक फर्स्ट एक खेलेगा मूव करेगा अपना, फिर दूसरा मूव करेगा, और वो खेलते खेलते आपका मोटिव क्या है, एक लाइन में 3 आपके जो है, सपोज व्हाइट आप खेल रहे तो व्हाइट आपके 3 एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए तो आप विनर हो सकते हैं। दिखने के लिए बहुत इजी लगता है, बट हम खेलेंगे तो बहुत मजा आएगा। मैं जस्ट ये वीडियो प्ले करती हूँ। इस सिसीमा इट कैन बी प्लेड बिटवीन टू प्लेयर्स, ईच वन इज हैविंग पेबल्स, यू कैन सी दिस 3 पेबल्स हियर, व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन move one pebble at a time. One player can move one pebble at a time. You can't jump. Suppose you are here, you can't jump from row to row. You just have to move from one place to another. No jumping. Okay? Chalo, let's start the game. This game is like X and Zero or Tic Tac Toe. Let's see how to play. Let's start.
suppose I'm moving this paper here. Now my opponent will move. Okay. Now I can move my this paper here or this here. Let's move this one. Now my opponent will move. Okay. See, if I move my this pebble here, my opponent can keep his pebble here and his pebbles will be in one line, three pebbles in one line, and he will be the winner. So I will not move that. Okay. Now I'm blocked. I have to move the middle pebble. Okay, but I will keep it here. See, he's the winner. These three pebbles in one line. So he's the winner. तो ये इस तरीके का बोर्ड गेम हम बोर्ड पे बना सकते हैं. हमने अभी क्लॉथ पे बनाया है. ऐसे हम हैंडकरचीफ इस तरीके से बना सकते हैं और जब भी चाहिए ट्रेन में, बस में, कहाँ पे भी ये खेल सकते हैं. सिर्फ सिक्स पेबल्स हमें लगेंगे, दो अलग अलग कलर के. उसके साथ भी हम कुछ और भी बना सकते हैं. अच्छा, इसके बारे में कुछ प्रश्न है? समझा आपको ये खेल? एनी क्वेश्चन? हेलो, इस सिसिमा, ओके, सो आई होप आपको ये समझा होगा गेम और आप अपने बच्चों के साथ ये खेल सकते हैं. तो इसका नाम था सिसिमा. इसी तरीके के बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं और हम बच्चों के साथ बच्चों के लेवल के हिसाब से खेल सकते हैं. ये अलग चीज है पैटर्न बनाना. जो भी हमारे घर में अवेलेबल है, अभी यहाँ पे तो मैंने ये जो अपने काउंटर्स होते हैं उसके साथ पैटर्न बनाया है, मैच स्टिक्स सब कुछ इन्वॉल्व करके पैटर्न बनाया है. हम स्पून, बाउल्स, पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, किसी के साथ भी पैटर्न बनाना उनको सिखा सकते हैं. बिकॉज ये जो पैटर्न है वो मैथ्स में भी उनको आगे जाके काम आएगा. बट एज अ गेम हम यहाँ पे हमें मैथ्स नहीं लाना है, बट वी जस्ट हैव टू प्ले एज अ गेम. तो हम अलग अलग पैटर्न्स उनके साथ बना सकते हैं. फिर आप फ्लावर्स के साथ बनाओ, बीड्स के साथ बनाओ, किसी भी जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके साथ. एक तो उनको फ्रीली मंडला के जैसे भी हम उनको बनाना सिखा सकते हैं, फ्रीली एंजॉय रिलैक्स होके. या फिर हम एक प्रॉपर पैटर्न दो और उसकी तरह से उसको फॉलो करना है पैटर्न. तो उस तरीके से हम खेल सकते हैं. कार्ड्स, कलरिंग कार्ड्स बना के उस कार्ड्स को कॉपी करके पैटर्न बनाना. फिर वो यही रहे ऐसे नहीं, आप स्पून जो भी अपने घर में जो अवेलेबल है फिलहाल उसके साथ भी हम ये कर सकते हैं. और कुछ गेम्स हम देखने वाले हैं. बिंगो गेम्स, बिंगो गेम्स जैसे कि नंबर्स बिंगो हो सकते हैं. आप उनको कार्ड दो और आप एक नंबर निकालो और वो नंबर उनके पास है तो वो टूथपिक से या किससे भी उसको टिक कर सकते हैं या पेंसिल से टिक कर सकते हैं. तो वो बिंगो हो गया. तो उस तरीके से हम पिक्चर्स भी वहाँ पे बच्चों के लेवल के हिसाब से, अभी नंबर आइडेंटिफिकेशन नहीं है बच्चों को, तो हम पिक्चर्स ले सकते हैं. फ्लावर्स है, पेंसिल्स है, क्रेयॉन्स है, तो उसका ड्रॉ करके उसको दे दो और फिर वहां से तो आप निकालो ओके अभी क्या है. तो वहां पे पिक्चर रिकग्निशन आपका हो जाएगा और गेम का गेम भी हो जाएगा. तो ये हम साथ एक साथ बैठ के सबके साथ ये खेल सकते हैं, नहीं सिर्फ एक थेरेपी के जैसे सिर्फ बच्चों को ही हम बिठाए और उनको ही बोले कि हाँ ये खेलो तुम, ऐसे नहीं.
तो हम सब फैमिली मिलके ये सारे गेम्स खेल सकते हैं। साइमन सेज तो आपको पता ही है, जैसे साइमन सेज जो भी साइमन बोलेगा आपको करना है, ओके? तो उस हिसाब से हम ये साइमन सेज हम बचपन में खेलते थे, शिवाजी मनाला वगैरह, तो वैसे भी हम उनके साथ खेल सकते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग हम बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों को इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग का प्रॉब्लम्स आता है, तो ये गेम हम उनके साथ कर सकते हैं। वहां पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो की, साइमन से स्टैंड अप, साइमन से सिट डाउन, साइमन से गो देयर, साइमन से टच दैट, इस तरीके से। तो हम टर्न टेकिंग में करना है, सिर्फ बच्चों को फोकस करके नहीं करना है। सेकेंड थर्ड है ऑब्स्टैकल्स वॉक, कुछ भी आप बीच में पिलो रखो, जो भी आपके घर में चेयर है, कुछ टेबल है, तो ऑब्स्टैकल उससे उसको पार करके उसके नीचे से जाना है, ऊपर से जाना है, तो वो ऑब्स्टैकल्स वॉक हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। घर में जो है चीजें, तो हमें अगर थेरेपी नहीं चालू है फिलहाल लॉकडाउन की वजह से, तो ये चीज बहुत काम करेगी, और बच्चों को अपना उसका खुद का ऑब्स्टैकल वो बनाएगा, वो कभी पिलो रखेगा, कभी टेबल रखेगा, कभी कुछ, ये तो बच्चे वैसे भी करते हैं ना, तो उसको थोड़ा एनकरेज करना है हमको। और फिर टनेल के जैसे बच्चा बना सकता है कुछ, और वो ऑब्स्टैकल वॉक बना सकते हैं। ट्रेजर हंट अगर आपको पता है तो क्या होता है कि एक फर्स्ट चीज पे आपको एक क्ल्यू मिल जाता है, उस क्ल्यू पे आप देख के फिर उस नेक्स्ट जगह पे जाते हैं, वहां पे एक दूसरा क्ल्यू मिलता है, इसी तरह कर करके आप फिर एक लास्ट पॉइंट पे आप जाते हैं, और वहां पे आपको कुछ ट्रेजर, कुछ हिडन चीज मिल जाती है। वैसे ही आपको अगर आपने उनको लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लिया है, सपोज आपने कुछ भी, तो उसके लिए आप ट्रेजर हंट कर सकते हैं। तो आपने वो गिफ्ट सपोज आपके अलमारी में रखा है, तो यू स्टार्ट फ्रॉम अपने डोर से स्टार्ट करो, तो डोर पे यहाँ पे फिट रखो, क्ल्यू रखो, अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, वर्ड नहीं पढ़ रहा है, तो पिक्चर बनाओ, तो डोर के यहाँ पे जो क्ल्यू है उसको आप पिक्चर बनाओगे, सपोज शू रैक या फिर बुक रैक, तो वहां पे बच्चा जाएगा, वहां से एक चीट उसको मिलेगी, वहां पे आप पिक्चर बनाओगे, सपोज मंदिर, भगवान का मंदिर, तो वहां पे बच्चा देखता क्ल्यू निकालेगा, वहां से एक चीट मिलेगी, सपोज अभी आया अलमारी, तो बच्चा अभी अलमारी में जाएगा और वहां पे उसको वो गिफ्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से उस सरप्राइज एलिमेंट को थोड़ा और सरप्राइज बना सकते हैं। फ्लोर एक्टिविटीज, वॉक ऑन द पाथ मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ये भी चीज हम घर में ड्रॉ करके बच्चों को वॉक ऑन द पाथ अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ये है वॉक ऑन द पाथ, अलग अलग हर्डल्स आप अलग अलग नाम देके बच्चा कर सकता है। ये मैंने मेरे बच्चों के साथ किया था, जैसे आपके पास प्लेट हो उस तरीके से आप, तो यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, गेम भी हो रहा है, नंबर्स आप रख सकते हो, लेटर्स रखते हैं तो वो भी रिकॉग्निशन हो रहा है, तो दिस इज अ फ्लोर वॉक। और अभी जो हम लॉकडाउन में बच्चों से क्या कर सकते हैं, बच्चे बहुत बोर हो रहा है, तो ये सब आपको एक बार ड्रॉ करके देना है। घर में आप भी जो स्टिकी ये आते हैं टेप्स, उसके साथ कर सकते हैं ये चीज। वहाँ पे लिखा है क्या क्या करना है, तो उस हिसाब से वो तुम कर सकते हैं। आ है ना दूध, दूध आया है ना, तो ये हुआ फ्लोर वॉक, पाथ वॉक।
और कुछ एक्टिविटीज हम देखेंगे, मैचिंग, ये तो हम वैसे भी करते हैं, मैचिंग ऑब्जेक्ट, मिसिंग हाफ, पर यहाँ पे हम, मैं बोल रही हूँ, हम घर पे उनके साथ ही ये सब चीजें बनाओ, उनके साथ ही ये गेम बनाओ। अगर आप मिसिंग हाफ है तो सपोज आपने एक डॉग ड्रॉ किया, तो उस ड्रॉइंग पेपर पे किसी बोर्ड किसी भी कार्ड पे चिपका दो और उसको हाफ में कट करो, तो वो खुद अपना गेम बना रहा है। ऐसे एनिमल्स, हाफ एनिमल्स बना दो और फिर उसको मिक्स करो एंड देन ही हैज टू जॉइन, और वो पूरा एनिमल बनाना है ये तरीके से। तो इसमें आप कुछ भी फ्लावर लो, आप फ्रूट्स लो, कुछ भी लो, जो चीजें आप उसको ड्रॉ करना है उसको ही कलरिंग करने दो, फिर वो कटिंग भी वो खुद कर सकता है और उसके लिए वो गेम रेडी है। ऑब्जेक्ट्स मैचिंग, तो ऑब्जेक्ट मैचिंग भी आप अपने घर के जो ऑब्जेक्ट्स है उसी, क्योंकि हम बाहर से कुछ खरीदेंगे ना तो उसको उतना वैल्यू नहीं रहता, उसको हम उतना टाइम देते कि उसमें उतना हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, बच्चों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप नहीं होती कि ये मेरा है। पर वो खुद जब ये सब चीजें खुद का कुछ गेम्स के खुद जब वो बनाता है आपके साथ बैठ के, तो उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ये मेरा है, मैंने बनाया है, और वो खुशी कुछ अलग होती है। सॉर्टिंग भी हम बहुत सारे बच्चों को देते हैं, पेज सॉर्टिंग देते हैं, ग्रेन सॉर्टिंग देते हैं, ये सब चीजें, तो उसमें ही हम फ्लावर्स डालो, कुछ टॉयज सॉर्टिंग डालो, सॉर्टिंग अलग अलग तरीके से करते हैं, कलरिंग के साथ सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्टिंग विद द ऑब्जेक्ट्स करेंगे, सो वो। और वहां पे अगर हम सेल्फ इंस्ट्रक्शन चीजें देंगे बच्चों को, जैसे कि हम टीच बॉक्स बनाते हैं, ओके, जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हमें उनको बताना नहीं पड़ता, वो एकदम प्रॉपर एक बॉक्स के तरीके से, सपोज मुझे अभी शेप सॉर्टिंग सिखाना है बच्चों को, तो मैं वहां पे उस शेप्स के, उस बॉक्स में ही उस शेप के कटआउट्स बनाऊंगी, तो वही शेप उसमें जा सकता है, जैसे कि स्टार, सर्कल, स्क्वायर, तो बच्चा वो स्टार में स्टार ही जाएगा, वहां पे सर्कल नहीं जा सकता, तो अपने आप ही बच्चे को सॉर्टिंग समझ में आ जाती है, तो उस तरीके का चीज हम कर सकते हैं। सेम विद कलर सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, कुछ स्टिक्स बनाओ और वहां पे कलर्स डालने हैं। टेयरिंग इज आल्सो वेरी गुड एक्टिविटी फाइन मोटर्स के लिए, फिर वो टेयरिंग करेंगे हम, पर टेयरिंग करने के बाद क्या, बच्चे टेयरिंग करेंगे चलो, पर उसका कुछ तो उसको मोटिव देना चाहिए ना, कुछ तो उसको एंडिंग देना चाहिए, तो टेयरिंग करेंगे तो उसको वो हम कोलाज वर्क उनके साथ कर सकते हैं। आप बॉटल के ऊपर फेविकॉल से स्टिक कराओ, बॉटल के ऊपर वो जो वो टेयरिंग किया है पेपर से वो उसको स्टिक करो, बॉटल डेकोरेशन हो सकता है, ग्लास डेकोरेशन हो सकता है, कोलाज वर्क हो सकता है, उसको कुछ एंडिंग दो, उसका कुछ फिनिशिंग, तो उसका कुछ मतलब बनेगा और बच्चा वो अच्छे से कर पाए। चेनिंग और सिक्वेंसिंग ये भी हम एक्टिविटीज में करते हैं, अगेन वो पैटर्न्स, वन सेकंड, तो चेनिंग और सिक्वेंसिंग भी हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो भी हमारे घर में अवेलेबल है उस चीज से। यहाँ पे हम स्टोरी सिक्वेंसिंग बना सकते हैं, कार्ड बनाओ, बच्चों को वो कलरिंग करने दो, उस कार्ड से सिक्वेंसिंग, फिर वर्ड्स के साथ सिक्वेंसिंग हो सकता है, सेंटेंसेस, वो अगर अगेन हम थोड़े एकेडमिक वे पे जाएंगे, बट प्ले वे से, प्ले वे, यहाँ पे हमारा मोटिव प्ले रहेगा, गेम रहेगा, सीखना सेकेंडरी रहेगा, ओके, तो सिक्वेंसिंग ये प्ले तौर पे हम ये एक्टिविटी करेंगे। ओके, पोकिंग पिक्चर्स, लेटर्स और वर्ड्स, जैसे बिंगो में अभी हम ये कर सकते हैं, हम छोटा बच्चा है और बच्चे मम्मी को काम करना है, अभी बच्चे को हम कैसे इन्वॉल्व रखें, तो हम उसको कुछ पेपर मैगजीन दो,
या कुछ ऐसा पेपर दो और वहां पे टूथपिक दे दो और बच्चे को बोलो कि ये पिक्चर कहाँ है वो मैगजीन में, वहां पे आपको टूथपिक से पोक करना है। तो अगर एप्पल कहाँ है मैगजीन में या फिर पेपर में, न्यूज पेपर में, तो वहां पे बच्चा वो करेगा। फिर लेटर ए कहाँ है ढूंढो, तो वहां पे करेगा। वर्ड सपोज कैट कहाँ लिखा है यहाँ पे ढूंढो और वहां पे पोक कर, तो वैसे तो विथ टूथपिक और पेन से, पेंसिल से वहां पे आप बच्चा ये आप अपना काम करें, आपको सिर्फ बताना है और बच्चा वो करेगा। तो इट्स लाइक अ आई स्पाय के जैसे हम ये गेम खेल सकते हैं। रीड स्टोरीज फॉर देम, हमें बहुत कंप्लेंट हम करते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बट क्या हम उनके साथ बैठ के पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं? नहीं। तो अगर रीडिंग स्टोरीज हम उनके साथ एक नाइट सोने से पहले हम एक टाइम रखें वहां पे हम उनको स्टोरीज रीड करके बताएं, तो उनको वो रीडिंग डेवलप होगा। और स्टोरीज रीड करने के पहले का स्टेप ये होना चाहिए कि हम उनको स्टोरीज बताएं। तो स्टोरीज ऐसे नहीं होता है कि एक ये है ये एक वो है, वैसे ये स्टोरी तो वो बोर हो जाएंगे। तो वहां पे हमें थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन, थोड़ा सा म्यूजिक, मतलब थोड़ा सा जैसे कि अभी एक आदमी आया वो बैठा, तो ये जो सब चीजें है ना, जो उसमें म्यूजिक थोड़ा ऐड करना, थोड़ा सस्पेंस ऐड करो वॉइस मॉड्यूलेशन करके, तो वहां पे उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका अटेंशन, वो उनको थोड़ा मजा आएगा वो स्टोरी सुनने में। और वो स्टोरी आप छोड़ दो आधे में, अभी उनको बोलो कि अगर इसका एंड आपको पता होना चाहिए तो ये बुक पढ़ना पड़ेगा, तो लेट्स रीड दिस बुक, और फिर हम वो स्टोरी उनके साथ पढ़ेंगे। तो उस तरीके से उनको वो स्टोरी, हम स्टोरी भी सिखा बता रहे हैं, तो वो एक्टिविटी भी हो गया और हम उनके साथ उनका रीडिंग भी डेवलप कर रहे हैं। कुछ सेंसरी एक्टिविटीज हम देखेंगे, हमें प्लेइंग विथ क्ले डॉग तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे हम ट्रेजर अगेन उसमें कुछ हिडन ऑब्जेक्ट्स, छोटे बीड्स या छोटे कुछ टॉयज हम उसमें रखें, तो बच्चों को वो वहां से ढूंढना है, तो वो हो सकता है। उसके अलग अलग शेप्स बनाओ, वो तो हम कर ही रहते हैं। जैसे अभी आई स्पाई मैंने अभी भी बोला, आप कर सकते हो, आप विजुअल सेंसरी बॉटल बना सकते हो। ओके, ये बॉटल कामिंग के लिए भी बहुत अच्छी यूज हो जाती है। क्या करना है आपको, प्लास्टिक की बॉटल लेना है, उसमें पानी डालना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है, थोड़ा सा एक स्पून, और फिर उसमें आप कुछ शिमरिंग कुछ ये डालो, कुछ छोटे छोटे टॉयज जो एबीसीडी के छोटे हमें प्लास्टिक के मिल जाते हैं वो भी डाल सकते हैं, कुछ बीड्स डाल सकते हैं, ऐसे सब चीजें उसमें, रबर बैंड्स डालो, अगर कुछ भी नहीं है तो रबर बैंड्स डाल सकते हैं, कलरफुल रबर बैंड्स होते हैं छोटे छोटे, वो डाल सकते हैं, ऐसे सब चीजें उसमें डाल दो, और फिर ऊपर बॉटल का ये जो कैप होता है वो पैक कर दो सेलोटेप से, सो वो निकले नहीं, और बच्चा वो उसको ऐसे घुमा सकता है। और फिर उसमें अगर लेटर्स है, नंबर्स अपने डाले हैं प्लास्टिक के कुछ, तो ही कैन से आई स्पाय लेटर ए, और फिर आप भी वो अभी आपको भी वो करके आपको लेटर ए उसमें उसको दिखाना है कि आपने भी देखा है लेटर ए वहां पे, तो इस तरीके से वो कामिंग भी हो जाता है, क्योंकि वो अच्छा दिखता है जब वो उल्टा पुल्टा हम करते हैं उसको, कलरफुल कलर कर सकते हैं उसमें, तो थोड़ा कलरफुल दिख जाता है। डिग एंड फाइंड थिंग्स फ्रॉम सैंड और क्ले, ये तो आप करते ही होंगे, सैंड में कुछ ये छुपा दो और फिर वहां से निकाल सकते हैं। अभी यही चीज थोड़ा ट्विस्ट करके एक बॉक्स में हम सैंड डाल दो, बॉक्स को दोनों तरीके से राउंड में कट कर दो। ओके, तो दो होल्स हो गए उस बॉक्स को और अंदर सैंड है, और सैंड में कुछ चीजें हमने डाली है, छोटे स्पून डाला है, कुछ छोटी छोटी चीजें डाली है, और आपके पास फिर लिस्ट है, मेरे पास एक लिस्ट है कि ये चीजें उसमें, और आपके बच्चे के पास भी, मतलब मम्मी के पास भी एक लिस्ट है, बच्चे के पास भी एक लिस्ट है, और आपको हाथ एक हाथ डाल के कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें निकालनी है, और जैसे आप चीजें निकालेंगे आप टिक करोगे कि मुझे ये मिला, तो सेम 10
चीजें उसके पास भी है, 10 चीजों के नाम और पिक्चर्स उसके पास भी हैं, और उसको वो निकाल के ठीक कर लिए, तो वो ये डिग एंड फाइंड द थिंग्स थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं हम उसको। स्मेलिंग स्टेशन एंड एक्सप्लोरिंग, अभी आंख बंद करके हम अलग अलग स्मेलिंग, जैसे घर में जो भी है इलायची का स्मेल, फिर ये इलायची का स्मेल है वो भी हम उनको सिखा रहे हैं सेकेंडरी में, बट फर्स्ट है हम उनके साथ ये अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं। फिर कुछ भी गरम मसाले में बहुत सारी चीजें जिसको अलग अलग स्मेल है, अलग अलग फ्रेग्रेंस है, तो आप उसको वो उनको उनके साथ एक्टिविटीज कर सकते हैं कि आंख बंद करो अभी ये बताओ पहचानो ये क्या है, सेम चीज वो भी कर सकता है आपके साथ। तो वैसे टचिंग डिफरेंट टेक्सचर्स, तो टेक्सचर्स के साथ भी जैसे कि अभी मैंने जो आपको बॉक्स का ये बताया, सेम चीज हम टेक्सचर्स के साथ भी कर सकते हैं, सॉफ्ट टॉयज टेक्सचर्स बॉल्स अलग अलग टेक्सचर्स, सेम हम फ्लोर जो हम फ्लोर वॉक करते हैं वहां पे भी हम अलग अलग टेक्सचर इन्वॉल्व कर सकते हैं, ग्रास का एक ये डाला थोड़ा पेबल्स डाले, वाटर प्लेस थोड़ा सा अगर हमारे पास प्लेस है तो थोड़ा सा वाटर प्लेस डाला, ऐसे हम बना सकते हैं, टब रख के हम भी वॉटर कर सकते हैं, सैंड पे वॉक, तो ये सब चीजें भी हम कर सकते हैं। ओके, पेंटिंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट हम देखेंगे घर बैठे बैठे कैसे क्या क्या चीजें से कर सकते हैं। सो पेंट विथ किचन स्टफ, किचन में जो भी चीजें अवेलेबल है, स्पून है, फोक है, फिंगर थम, वेजिटेबल्स है, जो भी है उसके साथ हम पेंटिंग सिखा सकते हैं बच्चों को। तो फोक के साथ हम ग्रास बना सकते हैं, यू नो वेजिटेबल्स के साथ लेडी फिंगर है उसके साथ हम फ्लावर्स बना सकते, उसको डिप करके फ्लावर्स बना सकते हैं, क्रश पेपर करके उसके साथ एक अलग टेक्सचर अलग पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें भी हम एज अ पेंटिंग, बट यहाँ पे अगेन मैं वो भी बोलता हूँ कि हम कर सकते हैं, मतलब बच्चा और पेरेंट इन्वॉल्व होके दोनों भी। तो इस तरीके से हम चीजें यूज करके पेंटिंग कर सकते हैं। किसी का बर्थडे है तो आप उनको ये एनकरेज करो तो सो दैट वो ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं अलग अलग चीजें ये करके। फिर आर्ट है, ऐसे कुछ आप उनको ये अवेलेबल है नेट पे बहुत सारी चीजें जहाँ पे उनको सिर्फ कलर करके कट करके पेस्ट करके बनाना है, तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं, उनको पिक्चर देना है ये देना है, और कट करके अगर वो दे सकते हो तो कट करके दे, और फिर बच्चे को असेंबल करना है और वो पिक्चर बनाना है, तो ये भी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। कुकिंग, सो कुकिंग में हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, नॉन गैस कुकिंग है जैसे सैंडविच है ये तो हम करते होंगे, तो आप उनको भी इन्वॉल्व करो, शुरू से इन्वॉल्व करो, क्या क्या चीजें लगती है, स्टेप्स क्या क्या, अगेन यहाँ पे सिक्वेंसिंग आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, तो ये सब चीजें हम उनके साथ कर सकते हैं। फिर डेकोरेटिंग, कुकिंग तो आ गया, हम कुकिंग बना सकते हैं, नॉन गैस कुकिंग कर सकते हैं, पर अभी सेटिंग कैसे करते हैं, टेबल को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, अलग अलग नैपकिन के फोल्ड होते हैं वो हम उनको सिखा सकते हैं, राइट हैंड पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड फोक स्पून, तो इस तरीके के साथ भी हम उसके लिए हम एक पिक्चर कटआउट करके रखेंगे और वहां पे उनको जैसे कि ड्रॉ करके रखा है बिग प्लेट स्पून का ड्राइंग है सब, और बच्चे को सिर्फ असेंबल करना है ऑब्जेक्ट उस पिक्चर के ऊपर, ऐसे कर सकते हैं। सर्विंग ऑफ द फूड प्लेट, कैसे सर्व करते हैं वो हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा उनको इन्वॉल्वमेंट ये लॉकडाउन में ये सब छुट्टियां है घर पे कैसे इन्वॉल्व कर सकते, तो ये चीज सब चीजें हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। डांस मूवमेंट, मोमेंट्स विथ डाइस, जैसे हमने उस गेम में देखा था वहां पे डाइस था अलग अलग नंबर्स के, ये अलग अलग मोमेंट्स थे, तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। फ्री डांस, म्यूजिक लगा और बच्चों को जो डांस करना है वो करने दो। डांस विथ प्रॉप्स, बलून्स को लेके पॉम पॉम के साथ, और आप भी बच्चों के साथ डांस करो क्लॉथ को लेके, सो विथ पॉम अलग अलग प्रॉम्प्ट यूज करके
आप प्रॉप्स यूज करके आप डांस कर सकते हो. फॉलो द स्टेप्स मिमिक, जैसे कि हमने वो मिमिक कार्ड देखा था उस तरीके से वो मिमिक देख के स्टेप्स फॉलो करने हैं. लेग मूवमेंट्स, मार्चिंग, ट्विस्टिंग, ये हम जैसे डाइस में भी कर सकते हैं. दो डाइस बना के एक डाइस पे हम हैंड, फिंगर्स, लेग, ऐसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी लिखेंगे. एक डाइस पे हम एक्शन लिखेंगे, जैसे ट्विस्टिंग है और नो क्लैपिंग है वैसे, और वो दोनों डाइस एक साथ हम डालेंगे. तो अभी आया सपोज एल्बो एंड क्लैपिंग, तो एल्बो के साथ क्लैपिंग करना है. ओके या फिर आया सॉरी ममता मैडम एक्सक्यूज मी, थोड़ा वाइंड अप करना होगा और प्रश्न उत्तर के लिए थोड़ा समय रखना होगा ना. ओके 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 ठीक है. तो हैंड मूवमेंट्स है और यहाँ पे कुछ फ्री प्लेज है. ये मैंने आपके साथ कॉपी का डिजाइन ये सब किया है विथ सैंड एंड ये सब. ओके और ये हम बच्चों को हमारे रोज के डे टू डे एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, गार्डनिंग में, इंडोर में, हाउस घर में जो भी कपड़ों या जो भी है ऑर्गेनाइज चीजें जो करना है उसके लिए हम कर सकते हैं. ओके क्लीनिंग, वॉशिंग, जितना हो सके उसके लेवल के आप बच्चों को अपने काम में भी इन्वॉल्व करो तो वो एक्टिव रहेंगे. ये मैंने आपको वो टनल के बारे में बताया था जो घर पे हम बच्चे बनाते थे. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो वीडियो नहीं, इट्स ओके. और ये सब चीजें हैं मैं मैम के साथ शेयर करूंगी. ये कुछ एप्स है जो थोड़े एजुकेशनल एप्स है, अगर आपको चाहिए तो आप वो कर सकते हैं. और ये कुछ साइट्स है जहाँ पे हम बैठे बैठे अलग अलग चीजों को देख सकते हैं, तो ये भी हम मैं बच्चों के साथ सॉरी मैम के साथ शेयर करूंगी तो आपको मिल जाएंगे. ओके सो थैंक यू सो मच. और अभी आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं. पेरेंट्स आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. मैम आप क्या एक बार डाइस वाला गेम का फोटो दिखा सकते हो? डाइस वाला ओके. किसी और का कुछ और क्वेश्चन है तब तक मैं ये दिखाती हूँ. और कुछ प्रश्न है? ये है डाइस का. डाइस को यूज करके आप अलग अलग गेम्स बना सकते हो. यस मैम मेरे को यही चाहिए था. आवाज म्यूट कीजिए इशू विशू, आवाज म्यूट कीजिए. थैंक यू. ओके तो मैं और कुछ आपको प्रश्न है मैं स्टॉक शेयर कर दूं पीपीटी. अस्मिता मैम आई थिंक किसी को कुछ है. या आई थिंक पेरेंट्स कोई प्रश्न है तो पूछिए वरना हम आज के लिए वाइंड अप कर सकते हैं. ओके माधविता ही ओवर टू यू. ओके ओके मैम थैंक यू ममता मैम.
खेलने से ही बच्चे अपना स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है आपने। और जो हाइपर बच्चों के लिए कामिंग स्ट्रेटजीज जो बताई है वो भी बहुत यूजफुल है डेफिनेटली। और वैरायटी ऑफ गेम्स तो आपने इतने बताया है कि आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है, लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं सकते, तो आई एम श्योर हर एक पेरेंट्स आपने दी फॉलो करेंगे और बच्चों को आनंद देंगे और खुद खुश रहेंगे, क्योंकि छुट्टी चल रही है, घर में बच्चे रहेंगे ही, पढ़ाई थोड़ी कम हो गई है, तो उनको एंगेज रखना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू माधवी मैम एंड थैंक यू मस्मिता मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय madam, thank you very much. PM ma'am, you could end the meeting now. Yes ma'am, Devyani, you are the host, so you can end the meeting. Devyani, yeah, let me check. Okay. Yeah, if you can